प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स माइनस थ्री ई की एक्स एक्स माइनस वन का क्यूब, इंटीग्रेशन करना हमने इसका। नीचे एक्स माइनस वन है, इसको एक्स माइनस वन में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, ई की एक्स हमने अलग से ले लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन माइनस टू। माइनस थ्री को माइनस वन माइनस टू लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का थ्री इंटू डी एक्स। तो हमारा जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा, ई की एक्स अलग अलग लिखें, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू डी एक्स। यहाँ से एक्स माइनस वन कैंसिल, स्क्वेयर बच गया हमारे पास। सो इंटीग्रल ऑफ ई की एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वेयर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसका जो डिफरेंशिएशन है ये बनता है, देखिए हेयर एफ एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वेयर मीन्स एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स अगर आप लेंगे माइनस टू नीचे हो गया, पावर एक और कम हो जाएगी, एक्स माइनस वन की पावर माइनस थ्री नीचे आ जाएगा, एक्स माइनस वन की पावर थ्री, तो ये हमारे पास क्या हो गया एफ डैश एक्स। सो हमारा जो इंटीग्रल बन रहा है वो ई की एक्स एफ एक्स प्लस प्लस क्योंकि माइनस प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया, और जिसका आंसर क्या होता है ई की एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एफ एक्स हमारा क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस ई की एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन की पावर टू प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ई की टू एक्स साइन एक्स इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे हम दो अलग अलग फंक्शन में नहीं तोड़ सकते इसको, तो हम बाई पार्ट्स करेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारे पास, ये लेट दिस इज इक्वेशन वन, पहला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ई की टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स एंड देन डी एक्स। ठीक है, ई की टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की टू एक्स का ई की टू एक्स एंड टू एक्स का क्या हो जाएगा टू इंटीग्रेशन माइनस का साइन का क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया, माइनस ई की टू एक्स कोस एक्स माइनस और माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस टू बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई की टू एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। इसको फिर हम किससे करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा माइनस ई की टू एक्स कोस एक्स प्लस टू, पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ ई की टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू बन गई हमारे पास माइनस ई की टू एक्स कोस एक्स प्लस टू ई की टू एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है साइन एक्स हो गया। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा इंटू माइनस टू ई की टू एक्स का, ये टू मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ई की टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई की टू एक्स इंटू टू एंड कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई,
माइनस ई की 2x इंटू कोस एक्स प्लस 2 ई की 2x साइन एक्स माइनस 2 इंटू 2 4, यहाँ से ये बन गया ई की 2x साइन एक्स डी एक्स। बट जो ये वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल तो है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो आ गया माइनस, वैल्यू आ चुकी थी ये, तो हमारे पास माइनस का ई की 2x, ई की 2x कोस एक्स प्लस 2e की 2x साइन एक्स माइनस का 4 ऑफ इंटीग्रल एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट तो लगेगा यहाँ पे हमारे पास, ये 4 इंटीग्रल यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 इंटीग्रल 2e की 2x साइन एक्स माइनस e की 2x कोस एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा हमारे पास e की 2x भी मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2 साइन एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी अपॉन फाइव। अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे हम लेट x इज इक्वल टू, अगर हम टेंजेंट थीटा पुट कर लें तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे हम पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या बनेगी, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। सो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल में अगर हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 थीटा साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 टेंजेंट इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल बन गया, इसकी जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, और इसका हम पहले कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन में आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 बाहर हो गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स। अब दो हो गए हमारे पास फंक्शन हो गए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 2, पहला फंक्शन एज इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा भाई। तो हमारा इंटीग्रल बन गया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, 1 का क्या बन जाएगा इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और 1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू एक्स, हमने क्या किया इसमें 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। यही पार्ट हम पहले कर चुके हैं, अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को टी पुट कर देता हूं तो 2x dx मेरा क्या बन जाएगा, dt, ऊपर dt बन गया नीचे t, 1 अपॉन t क्या बन जाएगा, log ऑफ t। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन हूं तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 2x पहले लिख लीजिए x इंटू टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई करें। सो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा 2x इंटू टेंजेंट इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस लॉगरिथम 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में ऑप्शनल है x क्यूब
सॉरी एक्स स्क्वेयर इंटू ई एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन हमने इसका बताना है डेट हमारा जो इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर इंटू ई एक्स क्यूब डी एक्स है। यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब को पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर मैं टी पुट कर देता हूँ और थीटा ले लेते हैं, थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा थ्री एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स, एक्स स्क्वेयर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डी थीटा अपॉन थ्री। इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी थीटा अपॉन थ्री, मीन्स वन अपॉन थ्री में बाहर ले लूँ, ई की पावर थीटा इंटू डी थीटा, वन अपॉन थ्री बाहर होगा। इसका इंटीग्रेशन सेम यही रहेगा, मीन्स ई की थीटा एंड प्लस का सी। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा है एक्स क्यूब, वन अपॉन थ्री ई एक्स क्यूब प्लस सी इज योअर आंसर, और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमारा जो इंटीग्रल है वो है ई की एक्स सीकेंट एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई की एक्स सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब देखिए ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो हियर एफ एक्स जो है वो हो गया मेरा सीकेंट एक्स, उसका डेरिवेटिव लूँ, सीकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सो इंटीग्रल जो हमारा है वो किस फॉर्म का बन रहा है, ई की एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, जिसका आंसर क्या होता है, ई की एक्स एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स क्या है, सीकेंट एक्स। सो ई की एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी इज योर आंसर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है भाई। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।